रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा है। मैं उसके लिए आपको आटे की खस्ता करारी मोटरी बनाना बतला रही हूँ। उसके लिए चाहिए आटा, जीरा, अजवाइन, मीठी नीम का पाउडर, रिफाइंड तेल आवश्यकता अनुसार, और गुनगुना पानी। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम आटा। देख रहे हैं ये कटोरी में हमने 2 कटोरी आटा लिया है। ये लगभग 250 ग्राम आटा है। जिस कटोरी से हम आटा लेंगे उसी कटोरी से हम इसमें रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे। यदि 2 कटोरी आटा लिया है तो हम आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल डालेंगे। बीच में इस तरह से गोल वो करेंगे, आटे को करके गोल घेरा बनाएंगे और उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार, जीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, सूखे नीम का पाउडर, मीठे नीम का पाउडर 2 टेबल स्पून, और इसे इस तरह से मिलाएंगे। पानी बहुत गुनगुना रखेंगे, बहुत तेज पानी मैंने गर्म नहीं किया। हल्का गुनगुना रखने से बहुत मटरी करारी बनती है। ये देखिए हमें दोनों हथेली लेके इस तरह आटे को रगड़ना है। मोइन इससे पता चलेगा जब हम उसको सब मसाले वगैरह मिलाएंगे। उसे हाथ से बांध कर देखेंगे, यदि ये लड्डू की तरह बन जा रहा है और फूट नहीं रहा तो समझ लीजिए कि इसका मोइन बहुत अच्छा है। और इसको हल्के गुनगुने पानी से बिल्कुल कड़ा गूंथना रहता है। जब तक ये आटा गूंथ रहे हैं मैंने गैस पे तेल रख दिया है गरम करने के लिए। देखिए आटा इस तरह से हमने गूंथ लिया है। अब इसको 2 भाग में करके हाथ से इसका मसल देंगे। अब इसके हम छोटे छोटे गोई बनाएंगे। इस तरह दोनों हाथ से दबाकर गोल पेड़े जैसा बना लेंगे। इस तरह पेड़े जैसा लोई बनाकर और रख लेंगे सब। बेलेंगे बहुत हल्के हाथ से इस तरह से बेलेंगे। इस तरह से हमें सभी मटरी को बेल कर तैयार कर लेंगे। तब तो इसको हम गरम तेल में फ्राई करेंगे। इसमें आप चाकू या किसी भी चीज से इस तरह से दोनों तरफ से छेद कर लेंगे, नहीं तो मटरी फूल जाएगी। देखिए हमने मटरी को इस तरह से बेल कर दोनों तरफ से कांटे से छेद कर लिया। अब गरम तेल में इसे, पहले तेल को हम बहुत तेज गरम करेंगे, उसको फिर मीडियम आंच कर देंगे। देख रहे हैं तो फटाफट हम सारी गीली हुई मटरी डाल देंगे।
इसको तलने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तेज आंच में इसको बहुत नहीं तलना है, देखिए आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। चलाएंगे अच्छे से। जैसे ही मछली ऊपर आना शुरू होगी, देख रहे हैं मछली ऊपर आना शुरू होगी तेल में, अब इसे हम पलट देंगे। पलट कर दूसरी तरफ से भी करारी होने पर सेकेंगे। तलकर दोनों तरफ से ब्राउन सी हो रही है, अब इसे हम किचन टॉवल में निकाल लेंगे ताकि इसका अतिरिक्त तेल सोख ले। इस तरह हमने किचन टॉवल में निकाल लिया, गैस को कर देते हैं बंद। अब इसको अच्छे से प्लेट में इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथ से दबा कर इसका हमने जितना भी अतिरिक्त तेल था सुखा लिया। इस तरह आप मछली कितनी अच्छी तली है और बिल्कुल करारी बनी है। इसको हम इस तरह से प्लेट में लगाएंगे। ये मछली खाने में जितनी अच्छी होती है इसको स्टोर भी करके हम रख सकते हैं, 1 महीने तक ये मछली खराब नहीं होती है। मसाले वाली मछली बनकर तैयार है। इस रक्षाबंधन पे आप अपने भाई को ये मछली जरूर बनाइए और खिलाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।